होला फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल होला चैनल पर। आप सभी ने जीपीएस के बारे में सुना ही होगा और हर रोज आप अपने स्मार्टफोन के जरिए यूज भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जीपीएस काम कैसे करता है और डीजीपीएस और जीपीएस में क्या डिफरेंस है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ और बताऊंगा कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये एक नेविगेशन सिस्टम है जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1973 में डिज़ाइन किया और शुरुआती दिनों में ये सिर्फ मिलिट्री नेविगेशन के लिए ही बनाया गया था। और फर्स्ट जीपीएस सैटेलाइट नेवस्टार को 1973 में लॉन्च किया गया। इस सिस्टम का मेन पर्पस था यूएस आर्म फोर्सेस को पोजिशनिंग रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करना। बाद में 1990s में इसे पब्लिक यूज़ के लिए प्रोवाइड कर दिया गया। जिस तरह जीपीएस एक यूएस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, उसी तरह ग्लोनास रशियन बेस्ड, गैलीलियो यूरोपियन बेस्ड और बाइडू चाइना बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। इन सारे नेविगेशन सिस्टम को जीएनएसएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। ये सारे नेविगेशन सिस्टम सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आइए जानते हैं जीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में। जीपीएस एक वर्ल्ड वाइड रेडियो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस के जरिए हम दुनिया में कहीं पर भी हमारी लोकेशंस का पता लगा सकते हैं। जीपीएस सिस्टम में टोटल 33 सैटेलाइट्स हमारी पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स पर चक्कर लगाती रहती है। ये ऑर्बिट्स जमीन से 20,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। ग्राउंड स्टेशन के जरिए इन सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इन सैटेलाइट्स और ग्राउंड स्टेशन को मिलाकर जीपीएस सिस्टम तैयार होता है। इन सैटेलाइट्स को इस तरीके से लॉन्च किया गया है कि हर वक्त एटलीस्ट 4 जीपीएस सैटेलाइट्स लाइन ऑफ साइट में रहती है, यानी कि अर्थ पर कोई भी पोजीशन पर एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स अवेलेबल रहती है, जिसके जरिए हम एक्यूरेट पोजीशन मेजरमेंट कर सकते हैं। इन 4 सैटेलाइट में से 3 सैटेलाइट्स का यूज़ करके ट्राइलेट्रेशन के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर का लोकेशन पता चलता है और 4th सैटेलाइट के जरिए हमें ऑब्जेक्ट का सी लेवल से हाइट कितनी है वो पता चलती है। इन जीपीएस सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक यूज़ की जाती है और ये क्लॉक इतनी एक्यूरेट होती है कि करोड़ों साल के बाद भी इसमें एरर आने की गुंजाइश नहीं होती। सैटेलाइट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले से ढूंढा जाता है, जो कि है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सैटेलाइट से सूडो रैंडम कोड ऑब्जेक्ट के जीपीएस रिसीवर्स पर भेजा जाता है। ये कोड हर एक सैटेलाइट का अलग अलग होता है, जिसकी मदद से रिसीवर डिफरेंशिएट कर पाता है कि कौन सी सैटेलाइट कौन से डिस्टेंस पर है। ये सिग्नल्स की वेलोसिटी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और टाइम डिफरेंस की मदद से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जीपीएस में बहुत से एरर्स भी होते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल एरर, सैटेलाइट क्लॉक एरर, एटमॉस्फेरिक एरर, मल्टीपाथ एरर, ह्यूमन एरर। इसी एरर के वजह से हमें एक्यूरेट पोजीशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हम जीपीएस का यूज़ हमारे ड्राइविंग नेविगेशन सिस्टम जैसी लेस एक्यूरेसी एप्लीकेशन में कर सकते हैं, लेकिन ऑफशोर कंस्ट्रक्शन, रिग पोजिशनिंग जैसी हाईली क्रिटिकल जॉब्स जहाँ पर हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें डीजीपीएस डिफरेंशियल जीपीएस का यूज़ करना पड़ता है। इस डीजीपीएस सिस्टम में एक रेफरेंस स्टेशन होता है जो एक स्टेशनरी सेकेंडरी रिसीवर के जरिए डिस्टेंस मेजर करता रहता है। ये एरर को डिफरेंशियल रेंज करेक्शन कहा जाता है। स्टेशनरी सेकेंडरी रिसीवर ये करेक्शन को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के जरिए मूविंग प्राइमरी रिसीवर को सेंड करता है और उस करेक्शन को अपने पोजीशन में प्राइमरी रिसीवर अप्लाई करता है और एक्यूरेट पोजीशन को पता लगाता है। ये टेक्निक अगर प्राइमरी और सेकेंडरी रिसीवर नज़दीक हो, यानी कि विदिन 2000 किलोमीटर हो, तो काम में ली जा सकती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो बहुत सारे रेफरेंस स्टेशंस का करेक्शन लेके उसका मीन अप्लाई किया जाता है और एक्यूरेट पोजीशन फाइंड किया जाता है। डीजीपीएस की एक्यूरेसी होती है प्लस और माइनस 2 मिलीमीटर।
ये थी DGPS और GPS के बारे में थोड़ी सी जानकारी। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल होला चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए ज़रूर।